फिर वाइवा भी, वाइवा के भी दो फेज़ हैं। जैसे आप जाएंगे तो पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम बात करेंगे। फिर बैचेस बनते हैं, बैचेस बनने के बाद जैसे हम ले 100 बच्चे हैं इंटरव्यू के लिए, तो 30-30 बच्चे करके 4 बैच बना देंगे या 3 बैच बना देंगे। जो बैच में फर्स्ट होगा उसका इंटरव्यू आगे होगा। इंटरव्यू जो फर्स्ट में होते हैं बिल्कुल शुरू में, वो बहुत अच्छे इंटरव्यू होते हैं। जैसे जैसे इंटरव्यू में बच्चों की संख्या धीरे धीरे, मतलब जो इंटरव्यूअर है वो धीरे धीरे, मतलब एक वर्ड यूज़ करना चाहें कि फटीग होना शुरू हो जाता है, थकना शुरू हो जाता है ना, तो वो T20 खेलना शुरू कर देता है टेस्ट की बजाय। आपको टेस्ट नहीं करता, बहुत ही शॉर्ट में बात करता है। तो अगर आपका इंटरव्यू बिल्कुल शुरू में फंस रहा है, 4 से 5 कैंडिडेट के बीच में, 1 से लेकर 10 तक मान लीजिए, तो आप कोशिश करिए कि अपने आप को इलेबोरेट करके बताइए। जो टाइम ज़्यादा मिलेगा, टाइम ज़्यादा देंगे वो आपको, टाइम ज़्यादा देंगे, तो आप इलेबोरेटिव रहिए। लेकिन अगर आपका फर्स्ट क्लास में है तो बिना घबराए हुए अपने आप को ब्रीफ कर लीजिएगा, पहले ही जाने से पहले ही ब्रीफ कर लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे, लास्ट में टाइम कम देते हैं, कम देते हैं। हाँ जी, तो ये कोशिश करिए कि आपका इंटरव्यू कब आ रहा है, तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए।